और कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे देख रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि कैसी है। मैं जो रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो मुझे वो भी बताओ कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो मुझे तो कोई सिखाता नहीं है, बस मैं अपनी मर्ज़ी से बना लेती हूँ, कुछ भी हो जाता है, वो एक रेसिपी बन जाती है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आज का दिन आप लोगों का कैसा गुजरा? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा और मैंने बहुत सारे काम किए घर में, झाड़ू पोता वगैरह सारे काम कर दी हूँ। और फिर उसके बाद खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का, और मैंने सोचा चलो आज कुछ रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों से। तो हम लोग दुबई जब जाते हैं तो हम लोग ब्रेड है, रोटी है, ये सब चीज़ें हम लोग को वहाँ की बहुत अच्छी लगती है, हम लोग खाते हैं। तो एक बेकरी में हम लोग को एक ब्रेड दिखा था जो बहुत अच्छा लगता था वो हम लोगों को, तो वो पूरा ऐसा मतलब वो लोग तो ओवन में डाल के बनाते हैं। तो एक दिन मैंने ऐसी मेरे बेटे से जिक्र किया कि ये कितना अच्छा ब्रेड है, इसको कैसे बनाते हैं करके। तो उसने बोला मम्मी तुम इसको ना ओवन में मत करो, इसको फ्राई कर लो। तो मैं बोली फिर इसका डो कैसा होता होगा? तो फिर मेरे हस्बैंड बताए कि इसका डो पिज्जे के डो की तरह ही होता है, जैसे पाव का बनाते हैं वैसा। तो मैंने चलो देखते हैं, तो मैंने एक बार घर में बनाई तो अच्छा बना, बहुत अच्छा लगा। तो फिर असद ने बोला कि मम्मी उसमें चिकन की स्टफिंग कर दो ना, बहुत टेस्टी लगेगा, मैं टिफिन में लेके जाऊँगा। आप लोग को तो पता है कि असद बहुत फूडी है, तो इसलिए तो आज वो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने आई। मेरी हर रेसिपी में कुछ ना कुछ आप लोगों को कहानी मिलेगी कि ये क्यों है और ये कैसे है और ये किस लिए है और ये कैसे बनी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो पिज़्ज़ा डो है देखो कितना अच्छा फॉर्म में आ चुका है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने का जो बताई थी अपने, सेम वैसे ही बनाना है। तो मैंने वैसे ही बना के इसको खमीर, नमक, तेल, शक्कर और दूध का पाउडर, अगर आप लोगों के पास दूध का पाउडर नहीं है तो आप लोग दूध भी डाल सकते हैं, मैंने वो सब डाल के इसको 4 बजे मैंने कुछ रख दी थी और अभी निकाली, देखो कितना अच्छा फॉर्म में आ गया। ये ऐसा होना चाहिए। और ये चिकन है, ये आधा किलो चिकन है बोनलेस, तो मैंने इसको छोटे छोटे पीस में ऐसे पीस कर ली हूँ। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन और नमक, काली मिरी, दही और एक मसाला है जो मेरे हस्बैंड ने लाए थे दुबई से, ये अरबी लोग का मिक्स मसाला है, बट इसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, ये तो कंपनी का नाम दुकान का नाम लिखा है तो इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, मेरे हस्बैंड ने वहाँ से लाए थे। ये अरबी मिक्स मसाला है, तो इसको शोरमा वगैरह में जो चिकन हम लोग बॉईल करते हैं, जो खप्सा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ये मसाला मैं डालती हूँ। तो ये मसाला अभी तो शायद हो सकता है यहाँ पे बॉम्बे में अवेलेबल होगा, हम पता नहीं ये तो कौन सा मसाला है, मैं भी नहीं जानती, बट मेरे हस्बैंड ने लाए थे तो मैं इसको शोरमे में हमेशा अक्सर यूज़ करती हूँ, शोरमे के चिकन में डाल के। तो मैंने इसमें ये मसाला और अपना काली मिरी और नमक, दही, अदरक, लहसुन डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मस्का और ऑयल डाल के मैंने इसको फ्राई कर ली। मैंने ऐसे नहीं फ्राई की, मतलब जैसे शोरमे का कैसा हिस्सा थोड़ा लाल लाल हो जाता है वैसा मैंने फ्राई करके ली इसको। फ्राई मतलब सब मसाला एक साथ मैंने तेल में डाल दी और वो डाल के उसको पका ली। तो ये मसाला वो है, अब मुझे इसका नाम है अरबी मिक्स मसाला, मतलब जो अरबी लोग के जो सारे मसाले होते हैं ना उससे मिक्स करके इसका पाउडर बनाया होता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने लाए थे तो मैंने ये थोड़ा उसमें डाली हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे शोरमे का मसाला मिलता है तो आप लोग ले सकते हो वो मसाला। ये सब डाल के मैंने चिकन को ऑयल में डाल दी, फिर अच्छे से पका ली इसको शोरमे की तरह। और ये है मेयोनीज जो मैंने 2 चम्मच ली हूँ, और ये है क्रीम, ये सॉस बनाने के लिए लगेगा। तो ये क्रीम है जो मैंने आधा कटोरी ली हूँ, और ये गार्लिक पाउडर है और ये वाइट पेपर पाउडर है। तो पहले हम लोग इसकी सॉस बनाते हैं, सॉस बहुत अच्छी होती है, हम लोग बनाते हैं ना बच्चे लोग को, मेरे को बच्चे लोग को बहुत पसंद है जब मैं सॉस बनाती हूँ, तो लोग बोलते हैं मम्मी जब भी आप बनाओ तो सॉस बना के बनाओ तो अच्छा लगता है। तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि इस चम्मच से मुझे काम करने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस चम्मच से सारी चीज़ें अच्छे से आसानी से निकल जाती है। तो मैं ये चम्मच ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस में ये चम्मच मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और भी हैं चम्मच लेकिन मैं ये चम्मच ज़्यादा यूज़ करती हूँ।
तो हम लोग ये डाल देंगे इसमें पूरा। सॉस बहुत अच्छी बनेगी। एक्चुअली इसमें दही भी जाता है, लेकिन अभी मैं फिलहाल दही नहीं डालूंगी क्योंकि ठंडी का टाइम है और बच्चे लोग खाएंगे तो कभी सर्दी उर्दी पकड़ ली तो इसके लिए तो। और इसमें ये क्रीम चला जाएगा। क्रीम डालने से बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप लोग प्लीज़ ये सॉस बनाना। ये सॉस भी मैंने अपने मतलब दिमाग से ही बनाई हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं। बस मुझे जो भी समझ में आता है ना, मैं डाल देती हूँ और बना देती हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती है वो, ऐसा होता है। और इसमें अभी मैं ये गार्लिक पाउडर डाल दूंगी पूरा, ये आधा चम्मच है, और ये आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर है, ये भी डाल दी मैंने इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। नमक आप लोग टेस्ट करके डालना, क्योंकि मुझे जैसा लगता है नमक मैं वैसा डालती हूँ, तो आप लोग भी अपने हिसाब से नमक डालो। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो कोई बीटर ले लो या खुश ले लो या ऐसे चम्मच से अच्छे से हिला लो इसको। देख रहे आप लोग सॉस कितना अच्छा है। ये मेयोनीज और ये क्रीम बहुत टेस्टी लगता है ये सॉस। ये सॉस आप बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं 4-5 दिन के लिए। मैं तो बना के फ्रीजर में डाल देती थी, फिर बच्चों को चाहिए रहता था तो निकाल लेती थी। तो ये हमारी सॉस हो गई रेडी। अभी हम इसको रखते हैं साइड पे और हम लोग अपना ब्रेड बनाते हैं। तो चलो ब्रेड बनाते, जब तक मैं इसको धोने के लिए रख देती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने ये सॉस बना दी हूँ। अभी ये सॉस रेडी हो चुका है मेरा। अभी हम इसकी ब्रेड बना लेते हैं। ब्रेड बनाने के लिए थोड़ा सा खुश्की लगेगा हम लोगों को, तो हम लोग ये खुश्की लेते हैं। अभी मैं बेलन ले लेती हूँ। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, मैंने ये डाल दिया हूँ, ये भी डाल दूंगी। आटा बहुत अच्छा फॉर्म में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हम लोग अभी इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो मैं इसके पेड़ा बना लेती हूँ। ये देखो, ये ऐसे होना चाहिए आटा। अरे हाँ, मैं तो एक चीज़ आप लोगों से भूल ही गई बताना। मेरा बेटा बोल ही रहा था, मम्मी आपने कुछ भूले तो नहीं है। मैं बोली नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, मगर मुझे याद आ गया अभी झट से। तो ये मैं तिल ले ले रही हूँ, थोड़े तिल है जो मैं मुझे लगेंगे बेलने के टाइम, क्योंकि फ्राई करूँगी ना जब मैं ब्रेड, तो ये तिल उस पे डालूंगी मैं। तो आपके हिसाब से आप लोग को जितना चाहिए उतना ले लो। तो मुझे इतना चाहिए तो मैंने ले ली। मैं एक ट्रे में डाल ले रही हूँ जिसमें मैं ब्रेड को लग दूंगी। इसको अच्छे से चारों तरफ से, जा पतला नहीं बेलना है, इसको जाड़ा बेलना है, मतलब जाड़ा भी नहीं और पतला भी नहीं, मीडियम करना है। तो जैसे कि आप लोग देखें, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो जिसमें मेरी बेटी का कॉल आ गया जो जॉब पे है। अभी वो घर जॉब पे से छुट्टी होगी ना, इसलिए उसने फोन की होगी मुझे। वो खाने के लिए भी फोन करती है दोपहर में, और अभी निकली है तो फोन करेगी, फिर बस में बैठ के फोन करेगी। अच्छा लगता है बच्चे जब माँ बाप की केयर करते हैं, माँ बाप को बताते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग इसको कट कर लेंगे। हम लोग इसको 4 इसमें डिवाइड करेंगे इस तरह से।
इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखो मैं बात बात में आप लोगों से, मैंने इसमें तेल ही नहीं डाली, भूल गई, अभी मैं ऊपर से डाल लेती हूँ, कोई मसला नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, भूल गई थी। अभी मैं ऐसे डाल के इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दूँगी ताकि ये बाहर ना आए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने कढ़ाई रख चुकी हूँ, अभी मैंने इतने बन बना चुकी हूँ, और ये वाला मैं अभी पहले फ्राई करके आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि फिर मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं सोच रही हूँ पहले आप लोगों को फ्राई करके बता देती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। तो मैंने इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ, आप जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग, अभी मैं इसको फ्लेम को फास्ट कर रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा ना तो ही ब्रेड डालेंगे तो वो अच्छे से फूलेगा, जैसे हम लोग फुलके वगैरह बनाते हैं उसी तरह से। तो भी मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त सब लोग, ये बताइए मुझे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर नहीं करते कमेंट तो करो, और उसको सब्सक्राइब भी किया करो, आप अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से बोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या बोलो, बस अच्छा लगता है जब से यूट्यूब चैनल मैंने खोली हूँ, जब से चालू की हूँ, मुझे एक एक नई नई रेसिपी बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करने अच्छी लगती है। बहुत जल्द मैं आपको एक सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ, बताऊँगी मैं, बट अभी नहीं बताऊँगी, आगे मैं बताऊँगी कि मैं क्या सरप्राइज़ देने वाली हूँ आप लोगों को। तो ऐसा है, और आप लोग सब खैरियत से हो गए, अभी दुआ करो ये कोरोना फटक से चले जाए अच्छे से, सब बच्चे लोगों की स्कूल भी खुल गई है अभी, और सारे बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं अभी, तो देखते हैं फिर बच्चे लोग क्या करते हैं। तो ये ब्रेड हम अभी इसमें डाल लेते हैं, मेरे से गिर गया ब्रेड मेरा, तो आप लोग देखो मैंने ब्रेड डाल दी हूँ, और मैं इसको पका रही हूँ, देखते हैं ये फूलता है कि नहीं। असल में मुझे बोला मम्मी ये फूल जाएगा, तो अरे वाह, असर की बात सही निकली, ब्रेड फूल गया असर, बट तिल निकल चुकी है, वो गलती से मैंने उसको बाद में लगा दी थी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा ब्रेड फूल चुका है, कितना मस्त खुशबू आ रही है असर। अच्छा असल मुझे बोल रहा है मम्मा ज़ोर से बात करो, ज़ोर से बोलो, तो ठीक है मम्मी अभी ज़ोर से बोलेगी आपको, तो मैं आज ज़ोर से बोलती हूँ असल ब्रेड फूल गया। तो ऐसा है, क्या बोलना चाहिए अभी असल को, तो मैं अभी बटर पेपर ले लेती हूँ, जैसे कि आओ असल ये भी दिखा दो कि मैं किधर क्या रखती हूँ, यहाँ मैंने सब थैलियाँ रखी है, ये मेरा बटर पेपर है, मैं हर चीज़ घर में ला के रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर में ला के रखना सब चीज़। तो थोड़ा असर बोला मम्मी उसको दूर कर दो क्योंकि आग है लग जाएगी, देखो ब्रेड कितना अच्छा फूला हुआ है, देख रहे हैं आप सब लोग कितना मस्त, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये देखो ऐसे हम लोग को रेड करना है। तो ये ब्रेड में निकाल लेती हूँ, ये हो चुका है, अभी हम दूसरा डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने दूसरा ब्रेड भी डाल दिया, माशाल्लाह ये वाला इसका तिल नहीं निकला है, उसका निकल चुका था, तो देखो आप लोग वैसे भी तिल डालते तो निकल ही जाती है, फालतू में मैंने तिल डाल दी, देखिए आप लोग सच्ची में तिल निकल गए, मैं सोची शायद कुछ नया अच्छा लगेगा, तो तिल तो निकल ही गई, चलो देखते हैं। तो ये ब्रेड हमारा, हमें ऐसे ही करके लेना है सारे ब्रेड, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये ब्रेड किस तरह से फूल रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें जो
खमीर है वो डाली हूँ, और दूसरी बात इसमें दूध डाली, इसमें से खुशबू अच्छी आ रही है एकदम, और मिल्क की ऐसी खुशबू आ रही है, और ये थोड़ा स्वीट होता है ब्रेड जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बना सकते हो आपके अपने घरों में और इसको बना के मुझे बताना। पूरी सब उड़ रही है एकदम। अच्छा खुशबू अच्छी आ रही है ना। ऐसे को तो बहुत पसंद है ब्रेड। तो अभी हम लोग ये सारे बार जो ब्रेड है ये फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने ब्रेड बना लिया हूँ। ये देखो मेरा ब्रेड, हम लोग इसको यहाँ से कट करेंगे और इसकी फिलिंग करके मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम लोग ये सॉस जो है तो हम लोग ने डिसाइड किए है असद और मैंने कि चिकन को हम लोग इसमें शिफ्ट कर देंगे सब। तो ये हो गया इसमें शिफ्ट और अच्छे से ऊपर नीचे कर लेंगे हम लोग। असद हम लोगों ने तो एक चीज़ डाली ही नहीं इसमें, तो हम लोगों का एक मसाला है जो हम डालेंगे अभी इसमें। तो ये रहा मेरा मैजिक मसाला जो इसके बगैर तो अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी। तो ये मैंने डाल दी, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने मिक्स किया, आप देख सकते हो जिस किस तरह से ये क्रीमी और कितना अच्छा इसका टेस्ट आ होगा। अभी मैं इसको थोड़ा चख के देखती हूँ। बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े का बना है। तो अभी हम ये सबको हटा देते हैं यहाँ से और फिर मैं आपको इसको कट करके इसकी फिलिंग करती हूँ। तो मैंने इस तरह से कट कर ली, अब ये फिलिंग मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसी तरह और भी जितने ब्रेड है मैं सबको कट करके डाल दूँगी। तो हो गया हमारा रेडी। जिस तरह से आप लोग देख सकते हो ये है अरबी ब्रेड विथ क्रीमी चिकन, क्योंकि इसमें क्रीम है तो क्रीमी चिकन तो बोलना ज़रूरी होगा। तो देख रहे हैं आप लोग जिस तरह मैंने इसकी फिलिंग की हूँ, इसको कट करके मैंने इसको चिकन इसमें फिल किया है क्रीमी चिकन। तो ये रहा मेरा अरबी ब्रेड विथ क्रीमी चीज़ चिकन, सॉरी क्रीमी चिकन। तो आप लोग अपने घर में बनाइए ना भाई, बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।